Hello learners and welcome back to your own channel LIY English learn it yourself learners in this video we will be learning an important writing skill which is email writing that comes for 4 marks as per HSC board's assessment criteria these 4 marks are distributed among content format and presentation wherein you get 2 mark for the content of your email you get 1 mark for the proper format you get 1 mark for the overall presentation of your email in this video we will learn in detail everything about email we will look at the format of an email that we have to follow while writing email in the exam we will also learn some email etiquettes that will be helpful to us in future and finally towards the end we will solve an example question from class 12th english textbook so do watch the video till the end now let us start learning ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल वॉज इन्वेंटेड बाय रे रेटन इन नाइनटीन सेवेंटी टू और तब से लेके आज तक इट हैज़ बिकम वाइडली पॉपुलर इट हैज बिकम कॉमनली यूज सर्विस ऑन इंटरनेट इट हेल्प्स पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर मोर इफेक्टिवली एंड मोर क्विकली आज के समय में हम देखेंगे कि ईमेल ने पेपर मेल ट्रेडिशनल पेपर मेल जिसे हम लेटर्स कहते हैं को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिप्लेस uh, कर दिया है इसकी वजह है कि ईमेल हैज़ मोर एडवांटेजेस सबसे मेजर एडवांटेज है स्पीड का जहां हमें ट्रेडिशनल पेपर मेल ट्रेडिशनल लेटर सेंड करने और रिसीव करने में कई दिन लग जाते हैं ईमेल का, का काम चुटकियों में होता है हम कुछ ही मोमेंट्स में ई सेंड और रिसीव कर सकते हैं अनदर मेजर एडवांटेज इज द कॉस्ट लेटर्स को uh, पोस्ट करने के लिए ऑफ ऑफकोर्स आपको पोस्टल चार्ज पे करना पड़ता है वहीं पे आपको ईमेल के लिए कोई भी कॉस्ट uh, uh, देने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑल यू नीड इज़ द इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी कन्वीनियंट क्योंकि एक साथ स्पेशली ऐसे सरकम पे जब आप एक साथ आपको कई uh, लोगों को एक ही मैसेज सेंड करना होता है ये चीज़ अगर आप लेटर में करोगे तो हर बार आपको हर इंसान के लिए लेटर्स लिखने पड़ेंगे बट सेम थिंग सेम फैसिलिटीज अवेलेबल ई मेल में बहुत कन्वीनियंटली एक मैसेज एक ई मेल आप एक ही क्लिक ऑफ द बटन पे कई सारे लोगों को सेम मोमेंट पे सेंड कर सकते हो ऑफकोर्स देर इज नो रिस्क ऑफ रॉन्ग डिलीवरी और लॉस विच इज़ इन द केस ऑफ लेटर्स इट इज़ सिंपल एंड कन्वीनियंट लेटर्स के थ्रू अगर आप कम्यूनिकेट करते हो तो आपको मार्केट से जाके लेटर लाना पड़ेगा लिखना पड़ेगा उसको पोस्ट करने जाना पड़ेगा इट इज़ अ वेरी लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस वहीं पर ई मेल बहुत ही सिंपल और बहुत ही कन्वीनियंट है और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि इट इज़ एन्वायरमेंट फ्रेंडली लेटर्स के लिए ऑफकोर्स हम पेपर्स पे लेटर्स लिखते हैं और पेपर्स के लिए बहुत सारे प्यारे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है हमारे एनवायरमेंट के लिए ट्रीज कट डाउन किए जाते हैं जो कि बहुत ख़राब चीज़ है ईमेल के लिए नथिंग इज़ रिक्वायर्ड ऑल यू नीड इज़ द इंटरनेट कनेक्शन सो दीज आर द एडवांटेजेस जिसकी वजह से ईमेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और आज के ज़माने में हर किसी को ई सेंड करना आना चाहिए सो लेट इज फर्स्ट लर्न के ई कैसे सेंड किया जाता है दिस इज़ द एक्चुअल स्क्रीन ये आपकी कंप्यूटर या स्मार्टफोन पे अगर आप ईमेल सेंड करोगे तो ये उसकी मेन स्क्रीन होम स्क्रीन होती है आप देख सकते हो सबसे पहले टू का कॉलम जहाँ पे आप ईमेल आईडी एंटर करोगे उस इंसान का जिसको आप ईमेल सेंड करना चाहते हो उसके नीचे ही आप देख सक देख सकते हो दो चीज़ें हैं एट सी सी एंड एट बी सी सी ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है इसको समझना चाहिए बहुत अच्छे से बिफोर वी यूज़ इट इसको हम आगे वीडियो में डिटेल में समझेंगे देन लेट्स मूव ऑन टू सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आपको पर्पज ऑफ ई मेल वाई आर यू राइटिंग योर ई मेल वो एंटर करना है बस बहुत ही कम शब्दों में और मेजर पोर्शन ऑफ स्क्रीन जो आप देख सकते हो जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे आएगा आपका पूरा मैसेज पूरा ई मेल और जब सब कुछ सही है यू कैन क्लिक ऑन द सेंड बटन एंड दैट ई मेल विल बी सेंड एक और एक ऑप्शन आप देख सकते हो सब्जेक्ट के नीचे अटैच अ फाइल इस पर्टिकुलर ई के साथ अगर आप कोई फाइल वर्ड फाइल पीडीएफ फ़ाइल पीपीडी फाइल भी सेंड करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर आइकन पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी डिवाइस की जितनी भी फाइल्स है उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी और जिस भी फाइल को आप सेंड uh, करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर, करोगे तो वो फाइल इस ई के साथ रिसीवर को रिसीव हो जाएगी सो दिस इज़ हाउ यू कम्पोज द ई लेट अस लर्न कि ये सीसी और बीसीसी क्या होता है सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी अगर सपोज uh, अगर एक मैसेज है जो आपको एक से कई uh, ज़्यादा लोगों को सेंड करना है सेम मैसेज आपको ज़्यादा लोगों को सेंड करना है एक से ज़्यादा लोगों को तो टू uh, में आप एक इंसान का ईमेल uh, आईडी लिखोगे और सीसी वाले सेक्शन में कार्बन कॉपी यहाँ पे आप वो सारे लोगों के ईमेल आईडी लिखोगे जिनको आप ये ईमेल सेंड करना चाहते हो जैसे कि व्हाट्सएप पे अगर हम एक मैसेज बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो हम फॉरवर्ड करते हैं हम हर एक को सेम मैसेज टाइप नहीं करते हम एक बार टाइप करते हैं बाकी सबको फॉरवर्ड करते हैं सेम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हियर इन ई मेल अंडर द कॉलम ऑफ सी 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 में आप सारे ई मेल आई डी एंटर करोगे उन लोगों के जिनको आप चाहते हो कि वो भी आपका ये ई मेल रिसीव करें सेम टाइम पे सीसी वाले सेक्शन में सारे ईमेल आईडीज़ विजिबल होते हैं बाकी सारे रिसपियंट्स को भी मतलब अगर आपको कोई एक मैसेज ईमेल जो है किसी और से रिसीव हुआ है और आपके ईमेल की स्क्रीन पे अगर आप सीसी वाले कॉलम में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ और कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये मैसेज सेम मैसेज रिसीव किया है सेंडर से ये हो गया सी बी सी सी ऑलमोस्ट सिमिलर है सिर्फ मेजर डिफरेंस ये है कि बी सी सी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी तो यहाँ पे यहाँ पे एंटर हुए आ, हुए वे ई मेल आई डी जो लोग हैं उन लोगों को ये कॉपी ई मेल का कॉपी रिसीव तो होगा बट उन लोगों के ई मेल आई डी विजिबल नहीं होते हैं बाकी सारे रेसिपियंट्स को तो अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप आ, सबके साथ शेयर कर रहे हो कोई एक पर्टिकुलर मैसेज है जो आप 10 लोगों को ईमेल के थ्रू सेंड कर रहे हो 10 में से आठ लोगों को अगर आप सीसी में रखते हो तो वो आठ लोग एक दूसरे के ईमेल आईडीज़ देख सकते हैं कि हम उनके अलावा इन सातों लोगों को भी ये ईमेल रिसीव हुआ है और 10 में से दो लोगों को अगर आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी बी में रखते हो तो सीसी वाले सेक्शन में या जो भी उस पर्टिकुलर मैसेज के रिसीवर्स हैं जिनको भी आपने ये मैसेज सेंड किया है वो सारे नहीं जान पाएंगे नहीं देख पाएंगे कि आपने इन दो लोगों को भी ये मैसेज ईमेल जो है वो सेंड किया है सो दैट इज सी सी एंड बी सी सी इसका डिटेल uh, में मतलब समझना ज़रूरी है बिफोर वी यूटिलाइज इट बिकॉज इट कैन गेट रियली ट्रिकी सो दिस इज़ सी सी एंड बी सी सी एग्ज़ाम में ये कंपल्सरी नहीं है इस पर्टिकुलर स्टेप को आप स्किप कर सकते हो बट अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया है से ऐसे दिया गया है कि आपको सी सी और बी सी सी इंक्लूड करना है देन यू हैव टू यूटिलाइज इट दैट इज वाई यू शुड अंडरस्टैंड इट नाउ लेट इस लुक एट द फॉर्मैट ऑफ ई मेल राइटिंग जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है सबसे पहले होगा टू टू कॉल डाल के आप डालोगे यहाँ पे रेसिपियंट रिसीवर का मेल आईडी उस इंसान का मेल आईडी जिसको आप ये ईमेल लिख रहे हो सो so, टू और उस इंसान का ई मेल आई डी सी सी ऑफकोर्स मैंने बताया पहले ही कि ऑप्शनल है अगर क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन दी गई है कि आपको यूज़ करने के लिए बोला गया है देन ओनली यू विल एट सी सी एन बी सी सी यहाँ पर आप ई मेल आई डी लिखोगे जिनको आप जो कि विजिबल दिखाना चाहते हो और एक साथ सबको इन ये मैसेज सेंड करना चाहते हो बी सी सी में अगेन सेम मैसेज उनको रिसीव होगा बट उनके ई मेल आई डी दूसरे रिसीवर्स uh, को विजिबल नहीं होंगे सब्जेक्ट में पर्पस ऑफ़ द मेल बहुत कट शॉर्ट कट टू पॉइंट बहुत कम शब्दों में लिखना है ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशन सर और मैडम स्पेशली इन केस इन केस ऑफ फॉर्मल एंड प्रोफेशनल ईमेल्स मेन बॉडी जो भी मेन मैसेज मेन कंटेंट है उसको आप पैराग्राफ में डिवाइड करोगे फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन सेकेंड पैराग्राफ मेन कंटेंट थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन फिर आता है क्लोजिंग लाइन विच इज़ नथिंग बट थैंकिंग यू फिर आएगा अटैचमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया अटैच अ फाइल अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पर आपको फाइल अटैच करने के लिए बोला गया है सो so उस फाइल का नाम आप इस वाले सेक्शन में लिखोगे एन एट देंड यू विल कंक्लूड योर ई मेल वाइल राइटिंग द सिग्नेचर लाइन विच इज़ योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ई मेल एड्रेस कोई अनदर ई मेल एड्रेस ऑप्शनल ई मेल एड्रेस भी आपके पास है ऑल्टरनेट तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर So, this is the format that you have to follow while writing email in exam for 4 marks. Now, let us learn some email etiquettes. Etiquettes, netiquettes which we online etiquettes are very important. Cheez hai. Ye help karte hai for us to build positive online image. So, it is very important that we keep uh, we keep these things in mind. Small little things that... Uh, दैट मे साउंड और दैट मे सीम वेरी रूड टू द पर्सन सो कुछ ई मेल एटिकेट जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे डूज और डोंस में डूज सबसे पहले की हैव अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन कभी भी कोई रिसीवर ई मेल रिसीव करेगा तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट लाइन ही पढ़ेगा तो सब्जेक्ट लाइन बहुत क्लियर होना चाहिए यूज़ अ प्रोफेशनल सेल्यूटेशन इस्पेशली अगर फॉर्मल ई मेल है तो री चेक बिफोर सेंडिंग कोई भी ग्रामर मिस्टेक या स्पेलिंग uh, एरर्स जो है उसे पहले करेक्ट करो फिर सेंड करो कि प्राइवेट मटेरियल कॉन्फिडेंशियल जो कि मेजर रूल है ऑनलाइन बिहेवियर का कि ऑनलाइन कोई भी मोड कोई भी वेबसाइट कोई भी चीज़ में जो भी चीज़ आप ऑनलाइन कर रहे हो आपको अपनी प्राइवेट और पर्सनल मटेरियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना है कॉन्फिडेंशियल रखना है ऐसी चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी है सेम थिंग अप्लाइज इन द ई मेल ऑल्सो ई मेल में आपको कुछ भी पर्सनल प्राइवेट शेयर नहीं करना है कीप इट शॉर्ट एंड कंसाइज नो बडी हैज़ टाइम टू रीड लन देश्स और लेटर्स सो शॉर्ट में लिखना है कट टू पॉइंट लिखना है चेक योर अटैचमेंट बिफोर सेंडिंग अगर कोई ई के साथ आप फाइल अटैच करने वाले हो तो उस फाइल को आप पहले ही चेक कर लो वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट वेदर इट इज़ प्रॉपर विदाउट एनी मिस्टेक इंक्लूड योर नेम विथ एडिशनल डिटेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर सामने वाला आपको रिप्लाई करना चाहता है तो ही शुड हैव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ये जो आप एंड में इंक्लूड करोगे सो दीज आर द डो डूज नॉ लेट लुक एट सम डोंट फर्गेट योर सिग्नेचर सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिग्नेचर का मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे आपकी साइन नहीं है जो लास्ट में ई में आपका नाम आपको लिखना होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू फिनिश इट डोंट यूज ह्यूमर एंड सरकाजम ऑफकोर्स ये कोई एंटरटेनिंग एंटरटेनमेंट uh, का प्लेटफॉर्म नहीं है आपको सिर्फ कट टू पॉइंट सिर्फ काम के हद तक ही आपको मैसेज uh, लिखना चाहिए ईमेल लिखना चाहिए अननेसेसरी फन और ह्यूमर इंक्लूड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए डोंट अज्यूम द रिसपियन नोज़ वट यू आर टॉकिंग इट मीन्स मैसेज जो है आपका ई है वो बहुत क्लियर होना चाहिए सामने वाले को एक बार में ही पढ़ के सब कुछ जो भी आप समझाना चाहते हो या मैसेज दे मैसेज देना चाहते हो वो उसको समझ में आ जाना चाहिए डोंट पंक्चुएट पोअरली पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली रिटन कम्युनिकेशन में क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज ये है कि uh, फ uh, जैसे कि हम अगर पर्सनल कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे के हाव हाँ भाव से फिजिकल जेस्चर्स से फिजिकल फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रिटर्न कम्युनिकेशन सो रिटर्न कम्युनिकेशन में पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पंक्चुएशन इम्प्रॉपर होगा तो कई बार मीनिंग चेंजेस हो सकते हैं एंड बेसिक मैनर और एटिकेट ईमेल का के डोंट फॉरवर्ड अनदर्स ईमेल विदाउट परमिशन किसी और का ईमेल अगर आपने रिसीव किया है तो आप किसी और को वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो बिना सेंडर की परमिशन लिए सो दीज आर द डूज एंड डोंट्स नाउ लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल क्वेश्चन दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक Uh, ये क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलरली इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बीसीसी वाला सेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है सो दैट आई कैन शेयर विथ यू कि बीसीसी अगर ऐसे आएगा क्वेश्चन में तो हमें कैसे करना है राइट इन ई मेल टू योर फ्रेंड्स अबाउट योर प्रोपोज ट्रैक यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स यू कैन कीप योर पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट इट बाई एडिंग दैम इन बी सी सी अ ट्रैक इन द फॉरेस्ट ऑफ गोडाई कनाल टाइम एंड ड्यूरेशन टाइप ऑफ ट्रैक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबसे पहले कभी भी एग्जाम में जो हमें चीज़ करनी चाहिए वो है कि क्वेश्चन को समझना क्योंकि आधा जो आंसर है हमारा वो क्वेश्चन से ही आना चाहिए हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये गाइडेंस हमें क्वेश्चन से ही मिलता है तो हमें क्वेश्चन समझना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है कि आप एक ट्रैक के बारे में प्रपोज कर रहे हो अपने फ्रेंड्स को एक से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं मतलब यहाँ पर आपको सी सी करना पड़ेगा तो यहाँ पे सी सी इंक्लूड होगा और यहाँ पे यह भी बोला गया है कि आपको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है तो अब हमें समझ में आता है एग्जैक्ट फंक्शन जो बी सी सी का फंक्शन कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ऑफकोर्स कोई हम पिकनिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हमारी फ्रेंड्स के साथ ये सिचुएशन दी गई है और ये चीज़ आप सेम चीज़ अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देना चाहते हो कि हम लोग कोई चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं पिकनिक के बारे में प्लान कर रहे हैं और आपके दोस्तों को ये चीज़ बताने की ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को भी बता रहे हो आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हो दैट इज़ वाई उनका नाम आप बी सी सी में एंटर करोगे सो दिस इज़ हाउ यू यूज सी सी एंड बी सी सी सो ये जो सेम ई मेल है वो आपके फ्रेंड्स और आपके पेरेंट्स दोनों को सेंड हो जाएगा सो लेट अस सी के ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टार्ट करोगे आप टू से टू अब यहाँ पे ऑफकोर्स टू में आप सिर्फ एक ही ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो तो कोई एक दोस्त का ईमेल आईडी क्वेश्चन में कोई भी नाम या कोई भी ईमेल आईडी नहीं दिया है कई बार हो सकता है कि दिया जाए अगर जो दिया गया है क्वेश्चन में तो आपको वही यूज़ करना है या इस जैसी सिचुएशन जहाँ पे क्वेश्चन में कोई नाम या ईमेल आईडी नहीं दिया है आप कोई भी ईमेल आईडी अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हो उसके लिए कुछ नहीं करना है कोई भी एक रैंडम सा नेम ले लो इमेजनरी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम बन गया ईमेल आईडी. दिस इज हाउ यू विल मेक एन ईमेल आईडी सो टू वाले सेक्शन में आप एक ईमेल आईडी डालोगे और सीसी में आप बाकी दूसरे दो या तीन जिससे आप आ, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके फ्रेंड्स हैं जिससे आप जिसके बारे जिस जिनसे आप प्रपोज कर रहे हो इस पर्टिकुलर ट्रैक के बारे में डिस्कस कर रहे हो सो सी सी में करण सूरज दो फ्रेंड्स के नाम उन नाम को लेकर उनका आईडी बना के एंटर कर दिया है पी में जैसे कि बताया गया था आप आपको अपने पेरेंट्स का ईमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा तो पेरेंट्स के दो मदर और फादर दोनों के ईमेल आईडी एंटर कर दिए सो दिस इज़ हाउ यू विल स्टार्ट टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट सब्जेक्ट में सिर्फ बहुत कम शब्दों में तीन ही शब्दों में आपको पर्पस बता देना है कि आप ये ई किस लिए लिख रहे हो ट्रैक टू कोडाई हेलो ऑल और फिर आप सारा जो इंट्रोडक्शन है वो लिखोगे

सारी डिटेल्स डेट्स फीस सब चीज़ एंटर करने के बाद लास्ट में यू विल वाइंड अप यू विल कंक्लूड योर ई मेल लेट्स ग्रैप दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएट मेमरीज प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉल मी इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन योर्स ट्रूली एक्स वाई जेड यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी रैंडम इमेजिनरी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो सो दिस इज़ हाउ यू विल राइट ई मेल I hope you enjoyed learning with me and you found this uh, video useful. If you like the video, give it a thumbs up, share among your friends, and subscribe to the channel. Thank you very much.